उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माई चैनल ब्लॉगर भाई। आया था मैं कब्रिस्तान, कब्र पे छोटी की ना, तो इसमें आप इधर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, कब्र काफ़ी मिट्टी कम हो चुकी है इसकी बाकी के नस्बत, तो मिट्टी डलवानी है इसको इंशाल्लाह, इसके ऊपर मिट्टी डलवाएंगे। अभी इसमें भी एक दो दिन लगेंगे क्योंकि मिट्टी अभी जहाँ से मैंने पता किया वो कह रहे हैं यार कल या परसों तक आपको मिट्टी ला के दे देंगे, तो इंशाल्लाह कल या परसों आके इसके ऊपर मिट्टी डलवाते हैं। अभी मैंने जाना है टायर लेने गाड़ी के, टायर काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, गाड़ी के टायर लेते हैं जाके। ठीक है, घर अभी जाते हैं, पापा वेट कर रहे हैं, बस उनके साथ निकलते हैं जाके टायर लेते हैं। देखें जी बिल्ली इधर बैठी हुई है, अरे किधर, लोगों ने यहाँ पे पानी छंद रखा हुआ चिड़ियों के लिए, आके गर्मी में पानी पीते हैं। अभी तो मौसम काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, लेकिन हम सबको चाहिए कि अपने घरों की छत पे या किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर चिड़ियों का आना जाना हो वहाँ पर पानी छानी बाजराओं के लिए रख दें, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए जा सकें। तो भाई अभी बस चलते हैं वापस जाके। यार अभी मैं आ गया हूँ अपनी नानी के घर, इधर बस थोड़ा सा काम था। मैं छत पे, इधर इनके पास बकरे हैं, बकरे किधर हैं, ये इधर, इनको खोलते हैं। तो ये देखो जी बकरे आ गए। ये छोटा सा बच्चा है, ये उसकी माँ, और ये हमने एक बकरा साथ के लिए, इनको खोलते हैं थोड़ी सी। आजो भैया, आजो 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 बाहर आजो। वो बकरी है, ये बहुत शरारती है, ये इसको भी अंदर भाग गया। अब भाई आजो, हो गया। ये बहुत शरारती, ओ नीचे भाग गए तीनों। ओए वापस चलो भाई, वापस चलो, चलो 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 चलो, दरवाज़ा कर देते हैं बंद। ओके फिर नीचे भाग जाते हैं तीनों। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये हमारे पास आ जा। जब आया था ना वो छोटा सा था, अब तो मैं तो दो या ढाई महीने बाद वापस ऊपर आया हूँ देखने, अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है। चलो भाई चलो 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 वापस, इससे पहले ये फिर, ये देखो भाई ये क्या कर रही है, दीवार सारा गड़ी। चलो 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 वापस वापस वापस, ओए किधर भाग रही है। यार इनको वापस बंद करना भी एक मुसीबत है। चलो अभी मेरे साथ ज़रा तंग करेंगे अभी और मुझे। जा रहे जा रहे जा रहे, शिश चलो चलो जी, ये चलेगी अपने घर, ये डेटा नहीं जा रहा। चलो इनको कर देते हैं ये बंद, और इसको कर देते हैं। चलो ये तो हो चुके हैं बंद, बस यार अभी जाते हैं और जाके टायर लेकर आते हैं गाड़ी के, उसके बाद देखें हो सकता है कब्र पे जो मिट्टी डलवानी है वो आज ही डलवा दें, देखें क्या सूरत हाल बनती है। अगर आज आ गई मिट्टी दोबारा जाऊंगा उसके पास, किसी और के पास जाके देखता हूं, अगर मिट्टी आज आ गई तो आज ही डलवा देंगे, नहीं तो फिर एक दो दिन उसको भी लग जाएंगे। अभी चलते हैं वापस नीचे, ऊपर तो काफ़ी गर्मी है, धूप डायरेक्ट मुँह पर पड़ी होती है। दरवाज़ा कर देते बंद, ये ना कि वापस निकलना है। भैया अच्छा धो लेते हैं, ओ ये क्या पानी नहीं आ रहा, मोटर चलानी पड़ेगी। आ गया पानी आ गया, भैया टायर लेने आ गया सुधर। हम लोग अभी इधर टायर लेने गए हैं पापा, मैं इधर मेरा छिली छिली ले रहा हूँ, टायर शायर लेते हैं जाते हैं घर, काफ़ी रक्षा सुधर में। ये हमारी छिली हो रही है, ओ भाई अभी बस टायर शायर ले लिया हमने, बस वापस जा रहे हैं घर की तरफ। क्या नमाज का भी टाइम हो गया, घर जाते हैं, थकावट भी आज काफ़ी हो गई है,
जाके मिलता हूँ। तो भाई आज आया था सुराब के घर, और आज पता नहीं सुराब कैसे मेहरबान हो गया, चाय लेकर आया है, नहारी लेकर आया है। कल तो इसने खाली हाथ भेजा था, आज जरा चाय बिस्कुट न्यारी नान। ये है पठानों का नान। ओए हो क्या बात है, इतनी लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। और कुछ भी समझ नहीं आया। बच्चा मजेदार बहुत सारा। यार सुराब अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा था, क्या हो गया? प्रोग्राम तो बढ़ गया। यार जी बस अभी आगे चाय बहुत आला मजेदार। ये अभी खा कर आया अच्छा वाला, फिर खा रहा है, दूसरी शिफ्ट लगा रहा है। डाइटिंग ये नहीं कि मुझे खाना है, डाइटिंग है। डाइटिंग है तेरी न्यारी चाय बिस्किट। डाइटिंग कैसी होती है? तो भाई मैं रोज डाइटिंग करूंगा। यार बस अभी मैं जा रहा हूँ, राजा बाजार जाना है, मैंने कुछ काम है मुझे वहाँ पर, और बस तरी चलते हैं। वापस आके सो गया था, उसके बाद आज व्लॉग दोबारा कंटिन्यू किया मैंने। अभी मैं रेस कोर्स के ग्राउंड में खड़ा हूँ, यहाँ फिर छोटा सा काम था मुझे, वो मैंने किया है, और अब जा रहा हूँ मैं राजा बाजार। तो फिर चलते हैं फिर राजा। यार मैं रास्ते पहुंच चुका हूँ। ओ ओ ये है रास्ते का मशहूर मिलाद नगर। जो लोग पिंडी के भाई उनको तो पता होगा रास्ता क्यों मशहूर है इतना। ये देखें जी, ये हमारी यहाँ की बहुत फेमस लेक है, पूरे पिंडी को ये जो पानी प्रोवाइड होता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये है मेरा शौक, इंशाल्लाह हम भी अपना इस तरह का लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ के लोग ना इस तरह के जानवर बहुत पालते हैं, बछला हो गया, कोई बेड़ा शेड़ा हो गया, अच्छी नस्ल हो गया, इस तरह के लोग बड़े शौकीन हैं इन चीज़ों के। यहाँ पर आप जब भी आएंगे ना, ईद के बाद, छोटी ईद पे, बड़ी ईद के बाद जब भी आप आएंगे, तो यहाँ पर आपको जानवर सुनने में रस्ते में काफ़ी शौकीन लोग हैं यहाँ पर। भाई ये मैं फारा चौक पहुँच चुका हूँ, बस अभी अंदर चलते हैं राजा बाजार की तरफ, बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। अच्छा तो यार मैं आ गया था घर, फिर बीच में ब्लॉग नहीं बना सका क्योंकि काफ़ी बिजी हो गया था मैं, मोबाइल मेरा ऑफ हो गया था, चार्ज मैं कहीं से कर नहीं सकता था, तो इस वजह से मैं बीच का ब्लॉग बना ही नहीं सका। तो यार जितना भी है बस देख लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो। अब इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं, मैं ब्लॉग अपना एडिट करने लगूँगा आज का, फिर पोस्ट करूँगा, बड़ी मेहनत है इस पर भी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।